17 सितंबर को केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में 60% युवा है। युवा अपने आप को पहचाने, आने वाले निकाय विधानसभा लोकसभा चुनाव में युवा हिंदू महासभा के साथ रहेगा, क्योंकि हिंदुत्व की रक्षा करनी है। इस समय भाजपा भी हिंदुत्व के मुद्दों से दूर हो गई है, जबकि भाजपा को चुनाव में हिंदुओं और युवाओं ने भारत में सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। उसके बाद भी भाजपा ने युवा साथियों हिंदुओं से मुंह मोड़ लिया है। युवा मोर्चा हिंदू महासभा 17 दिसंबर में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू करेगी। केंद्र और राज्य में भी हिंदुत्ववादी सरकार होने के बाद यदि हिंदू सभा का साथ नहीं देगी तो उत्तर प्रदेश के हर जिले एवं हर मंडल में अनशन के साथ जारी रहेगा और आने वाले चुनाव में हिंदू महासभा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। यही एकमात्र ऐसा संगठन है जो सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा के लिए ही जिंदा है। और दूसरा घोषणा तय होगी और इस बार ये होगा कि कई लोग फोन पे ही मेंबर बन जाते हैं, वो लिए आए नहीं तो पता लगता है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी बने हुए हैं। तो सबका भरम मिटाने के लिए दिल्ली में मीटिंग रखी गई थी। सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी उनका अपनी बात रखे, बात रखने के बाद वो ये जरूर बताए, क्योंकि मैं दो महीने के बाद चुनाव को नहीं बुला रहा हूँ और दो महीने के बाद आप दिल्ली आएंगे खाली हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि संगठन जो करता है वो तन मन धन तीनों की आवश्यकता होती है। बात धन की नहीं है, बात संगठन की है कि आपने इन दो महीने के अंदर संगठन कितना मजबूत किया है, उसके लिए कितने मेंबर आपने बनाए हैं, कितने वार्ता के मेंबर बनाए हैं, वो सारी की सारी अपना बताने चले। इसमें कोई होड़ नहीं है, किसी की कैपेसिटी 10 मेंबर बनाने की है और किसी की 5,000 बनाने की है। और ये जो भी आपको पद मिले हुए हैं आप इनको परमानेंट ना माने कि एक बार पद मिल गया तो आजीवन हम वही रहेंगे, ये भ्रमण मध्य भी हो सकता है। और ये आप काले सन पर देखते हुए होगा और निर्णय होगा दिल्ली करेगी कि किस कार्यकर्ता ने किस जिला अध्यक्ष ने किस मंडल अध्यक्ष ने किस महासचिव ने कितना कितना कार्य किया है। तो एक बार इनका 2 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं वो अपना रिन्यूअल करा ले और जो जिनकी मेंबरशिप जमा नहीं हो मेंबरशिप जमा कराए और माइक इसके भी हाथ में अपनी बात रखने के बाद वो ये घोषणा करें कि अगले 2 महीने में जो मीटिंग होगी मैं उसके अंदर 10 मेंबर बना के लाऊंगा, 50 लाऊंगा, 5,000 ले जाऊंगा। वो अपनी अपनी क्षमता है और उस क्षमता के आधार पर 2 महीने के बाद पुनर्निरीक्षण होगा उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी का, इस आदमी को कितना पद दिया जाएगा। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।